हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्रा। सो दोस्तों, आज का हमारा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 29 टू द पावर 36 इज डिवाइडेड बाय 28। आपके पास ऑप्शन है 0, 1, 29 एंड 5। सो गाइस, इसमें हमारे पास जो एक क्वेश्चन दिया गया है, इसमें आप देखोगे तो जनरली हम इसको कर नहीं पाएंगे। अगर आप देखना चाहो 29 की पावर 36 की वैल्यू कितनी होती है, ये निकालना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप कैलकुलेटर लेके भी बैठ जाओगे फिर भी क्या हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है इसको इतना कर पाना। तो कैसे होता है जी, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ी थी जब, तो रिमाइंडर थ्योरम में एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी कि जब भी अगर इस प्रकार की आपके पास क्या आती है, कंडीशन आती है कि ax+1 टू दी पावर n डिवाइडेड बाई क्या होता है, a होता है, तो जो रिमाइंडर होगा इस केस में वो हमेशा क्या होता है, 1 होता है। वो हमेशा रिमाइंडर 1 होता है। कब? जबकि हमारा जो नॉमिनेटर हो वो ax+1 टू द पावर n की फॉर्म का हो और उसको डिवाइड कर रहे हो हम a से। इस प्रकार की अगर कंडीशन आती है तो बिल्कुल हमारा जो ये रिमाइंडर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पे इस प्रकार की फॉर्म बन पाती है या नहीं बन पाती है। तो देखिए हमारे पास क्या है, 29 टू द पावर 36, इसको क्या करना है, हमने डिवाइड करना है किससे, 28 से। तो देखो ये इस फॉर्म में चेंज हो सकता है क्या, तो यहाँ पे हम अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पे देखिए 29, 29 को हम लिख सकते हैं। अगर मैं लिखना चाहूँ 29 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 28+1, 28+1 लिखा जा सकता है। इसकी पावर क्या हो जाएगी, 36 डिवाइडेड बाई 28। अब यहाँ पे देखो, मैं इस 28 को अगर आप कहोगे a इंटू एक्स की फॉर्म का है ये, a इंटू एक्स की फॉर्म का है ये, तो ये एक्स कैसे मिल सकता है मुझे। तो यहाँ पे देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 28 इंटू 1 लिख सकता हूँ, अगर किसी का मल्टीप्लाई नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, +1 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका, 28 हो जाएगा। तो देखो x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 1 हो गई, a की वैल्यू क्या हो गई, 28 हो गई, और बाकी तो आपके पास ये जनरल फॉर्म बन ही रही है। इसकी पावर क्या है, 36 है। तो यहाँ पे n की वैल्यू कुछ भी हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर इस फॉर्म में हो जाता है नॉमिनेटर ax+1 और उसको हम डिवाइड कर रहे किससे, a से डिनोमिनेटर में, तो हमारा जो क्या हो जाएगा रिमाइंडर होगा इस केस में वो हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसको आप अगर सॉल्व करके देखना चाहो, आपके पास अगर ऐसे कैलकुलेटर है या किसी तरीके से आप कर पाते हो इसको और 28 से डिवाइड करोगे तो कन्फर्म है इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा जो प्रॉपर्टी थी रिमाइंडर की, इस वाली से हमने आसानी से देखा कि इसका रिमाइंडर क्या आता है, 1 आता है। आई होप जो ये कॉन्सेप्ट था वो आपकी समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमें इसी प्रकार की वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।